ओके गाइस, व्हाट्सअप, सब बढ़िया चल रहा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा मॉक टेस्ट पेपर जो कि मई 2018 टर्म के लिए रिलीज हुआ है। एंड सच में बता दूं, ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है जो इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ ज़रूर ज़रूर इस पेपर को सॉल्व करके जाए। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर CAIPCC या CA इंटरमीडिएट मई 2018 एग्जामिनेस के लिए। दिस पेपर इज़ अ वेरी गुड पेपर एंड आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इस पेपर को डिटेल में अलॉन्ग विथ आंसर्स। सो रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ना देखें अगर आप सॉल्व नहीं किए पेपर, तो आप प्लीज़ सॉल्व करिए पेपर घर पर टाइमली 3 घंटा देके, एंड उसके बाद यू प्लीज़ सिट फॉर द इवैल्यूएशन विथ सीइंग दिस वीडियो, तो आपको समझ में आएगा अगर आपने कुछ गलती की है तो कहाँ गलती की है, और अगर आपके कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो क्विकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस मॉक टेस्ट पेपर का आंसर्स आपके साथ। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, आप प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किया है। आप पेपर सॉल्व कर लीजिए खुद से, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे मॉक टेस्ट पेपर IPCC का कोर्स का पेपर नंबर टैक्सेशन 4 एंड मार्च 18 में इंस्टीट्यूट ने इसको अभी खुली हाल फिलहाल में रिलीज किया है। फॉर ओल्ड कोर्स एज वी नो द टैक्सेशन सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 50 मार्क्स का रिप्रेजेंट करता है एंड सेक्शन बी IDT वो भी 50 मार्क्स का रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो बाइफर्केशन है वो न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। न्यू कोर्स के लिए जो एप्लीकेबल है वो है 60 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स एंड 40 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज GST। खाली मार्क्स बाइफर्केशन में डिफरेंस है, बाकी सिलेबस दोनों का बिल्कुल बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट द टॉपिक ऑफ TCS एंड सेल्फ असेसमेंट जो न्यू कोर्स में है वो ओल्ड कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है। तो ओल्ड कोर्स वाला पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू कोर्स में गाइज थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, वो मैं आपको उस वीडियो के एंड में बताऊंगा जहाँ पे वील डिस्कस कि न्यू कोर्स में ऐसा कौन सा नया क्वेश्चन था जो ओल्ड कोर्स में नहीं है। लेट्स स्टार्ट दिस पेपर डिस्कशन। पेपर फोर टैक्सेशन, जैसे आपको पता है फॉर्मेट इज वेरी सिंपल। 50 मार्क्स का पेपर था इनकम टैक्स, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड बैलेंस आपको 5 क्वेश्चंस में चाहिए जो कि 10 मार्क्स ईच रिप्रेजेंट करता है। आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था, तो दिस गिव्स यू 40 + 10, दैट इज 50। सिमिलरली नीचे जब अपने GST पार्ट आएंगे, दैट इज सेक्शन बी, सेक्शन बी में अपने को देखेगा सेम, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड आपको बैलेंस 5 क्वेश्चंस में कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, यानी आप एक क्वेश्चन GST में एंड एक क्वेश्चन इनकम टैक्स में बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ GST। आई रिपीट अगेन, ये मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट द्वारा पब्लिश किया गया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे सॉल्व करके जाइएगा। सो लेट्स डिस्कस पार्ट बी सेक्शन बी फर्स्ट GST। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, अगर आप देखेंगे प्लीज नोट्स देखिएगा, फर्स्ट टाइम आपको नोट्स दिख रहा होगा इस तरह का GST क्वेश्चन में। वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर्स, वो तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। वेर एवर नेसेसरी सूटेबल अजम्पशंस मे बी मेड बाय द कैंडिडेट्स एंड डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट। ये तो हमारा टैक्स का प्रथा रहा है कि अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज नोट्स लिख के आ जाइए, बट डेफिनेटली इट शुड बी सूटेबल। अगर आप कोई उल्टा पुल्टा नोट्स लिख के आएंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स नहीं मिलेगा। थर्ड, ऑल क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड ऑन द बेस ऑफ द GST लॉ एज अमेंडेड अप टू 31st October 2017। जैसे यू मस्ट बी नोइंग फॉर योर एग्जाम विच इज इन मई 2018, 6 मंथ्स पहले जो भी नोटिफिकेशन आए अप टू 31st October वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है, एंड जिसका अमेंडमेंट क्लास जरूर जरूर आप मेरे चैनल में देख ले होंगे। लास्ट, GST रेट जो दिए हुए क्वेश्चन में सब हाइपोथेटिकल है, तो डेफिनेटली आपको उसमें ज्यादा माथा नहीं मारना है। लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 1A। अगर आपको दिख रहा होगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था गाइस, एंड ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ गया एग्जेम्पशन पोर्शन में से। ये क्वेश्चन आ गया एग्जेम्पशन पोर्शन में से। एग्जेम्पशन, अगर आपको याद है हम लोग पढ़े थे एग्जेम्पशन ऑफ सर्विसेज अंडर GST, एक बार रीड करते हैं फिर मैं डिस्कस करता हूं। आयुष्मान मेडिकल सेंटर अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफर्स द फॉलोइंग सर्विसेज। अगर आपको याद है सर्विस टैक्स में मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में भी सर्विस था क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट वाला, एकदम कॉपी पेस्ट वहीं से आ गया ये सर्विस। लेट्स रीड, आयुष्मान मेडिकल सेंटर ने ये सब फॉलोइंग सर्विसेज दी। पहला, रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट्स, सच थेरेपी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2 ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010, दैट इज 10 लाख्स। ये 10 लाख्स टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? द आंसर इज इट इज टैक्सेबल सर्विस बिकॉज इट इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिमिलरली क्वेश्चन आप ओल्ड कोर्स में भी देख चुके हैं, पुराने टर्म में भी इंस्टीट्यूट ने इसी तरीके के क्वेश्चंस ऑलरेडी सर्विस टैक्स में पूछा था, सिमिलरली GST में भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया। तो 10 लाख्स की जो सर्विस है बिल्कुल टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। प्लास्टिक सर्जरी, वन सच सर्जरी वॉज कंडक्टेड टू रिपेयर
cleft lip of a newborn baby, consideration of 1 lakh rupees was charged for the same and total consideration at 20 lakh rupees. तो अगर ये plastic surgery दे रही है, आपको याद है plastic surgery तो ऐसे taxable है, लेकिन वो plastic surgery जिसे कोई body की deformity heal होती है, वो अभी भी exempted है. तो guys, similarly, 20 lakhs में जो 1 lakh है, वो exempt माना जाएगा, और बाकी जो 19 lakhs है, वो बिल्कुल-बिल्कुल taxable माना जाएगा. तो 10 lakh, 1 lakh को आप exempt करोगे, क्योंकि वो repair क्यों हुआ है, वो repair आपको सुंदरता के लिए नहीं हुई है, वो repair हुई है, एक newborn baby, बच्चे को ठीक करने के लिए हुई है. तो definitely it will be exempted, 19 lakhs will be taxable. Next, air ambulance service to transport critically ill patients from distance location to Ayushman Medical Center. ये तो अपने पढ़े थे कि air ambulance services जो दी जाती है transportation द्वारा, वो exempt होता है. तो वो भी इस केस में क्या हो जाएगा, 1 lakh rupees exempt हो जाएगा, आपको इसमें exempt supply लिख के आना था. Fourth, alternative medical treatments by way of Ayurveda. Such therapy is not a recognized system of medicine in terms of 2H of Clinical Establishment Act 2010, that is 2,50,000. देखिए guys, अगर देखा जाए तो Ayurveda is absolute, definitely it's a recognized therapy. But इस question में थोड़ी सी misprinting हुई है. But definitely अगर आप इसको exempt करके नहीं आए, आप इसको taxable करके आए हैं, तो भी आपको full marks मिलेगा, because question paper में लिखा है it is not a recognized system of medicine. And if it is not a recognized system of medicine, definitely it will be taxable. लेकिन institute का जो answer है, institute ने इसको exempt किया है, just because of the fact that this is a recognized system. And institute, अगर आपने देखेंगे इनका answers, अगर आप बिल्कुल देखेंगे इनका आंसर, तो इन्होंने इसको एग्जेम्प्ट किया है, इन्होंने इसको माना है बीइंग अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिंस. तो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए आयुर्वेद इज अ रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सो आइडियली यू शुड नॉट टैक्स इट, यू शुड एग्जेम्प्ट इट. बट अगर कोई स्टूडेंट इसको टैक्स करके आया है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो भी गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है. एनी डाउट्स गाइस अप टिल नाउ? ठीक है, तो 2.5 लाख आप क्या करेंगे, आप उसको मैं इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन के हिसाब से मानता हूं, आप एग्जेम्प्ट करेंगे, आप टैक्सेबल भी करेंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलूं, तो आपका 10 लाख प्लस 19 लाख विल, दैट इज 39 लाख इज योर टैक्सेबल सर्विस. और अगर आप आपके सोल्यूशन अगर आप आयुर्वेद को भी कर दिए टैक्सेबल, तो आप 2.5 लाख टैक्सेबल कर सकते हैं. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लिखा है सब कुछ एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी आपको जीएसटी कैलकुलेट करना था. अब देखिए क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होती है. आयुष्मान मेडिकल सेंटर आल्सो ऑपरेट्स अ कॉर्ड ब्लड बैंक व्हिच प्रोवाइड सर्विसेज इन रिलेशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ सिस्टम सेल्स, स्टेम सेल्स. You are required to compute the value of supply and GST liability. आपको बता दिया है GST and SGST और IGST of Ayushman Medical Center if any in the light of relevant GST provisions. और आपको बोल दिया सारा interested supply है. तो बताइए अगर interested supply है तो कौन सा GST लगेगा? CGST and SGST. Assume the rates as 9%, 9% and 18%. तो guys, बहुत easy सवाल था. आपको खाली value निकालना था. मेरे केस में value 20 plus 10, 30 lakhs. Sorry, 10 plus 19, 20, 39 lakhs आएगा. 39 lakhs पे आप 9% CGST, 10 lakhs plus 19 lakhs, 29 lakhs आएगा. Sorry, 29 lakhs पे आप 9% CGST और 9% SGST निकाल लीजिए. देख लीजिए institute का answer बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह match करता है. And वो जो not है, वो एक तरह का misprinting error है. But you will be given the benefit of doubt. कोई problem नहीं. आप alternative answers भी बिल्कुल बिल्कुल correct माना जाएगा. So that's it. अगर आप please देख लीजिए institute का जो solution है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही simple solution है. इन्होंने सीधा आपको आप table बना देंगे, table में आप exemption निकाल देंगे, आप valuation कर देंगे, उसपे CGST और SGST लिख देंगे. Definitely आपको notes भी लिखना पड़ेगा respective column में, जिसे stem cells वाला जो हमारा question था, जो stem cells वाला provider, उसको आप exempt करेंगे, तो आपको उसको अलग से table के बाहर लिखना पड़ेगा. और अगर आप table में भी कुछ लिख रहे हो, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये recognized system है, it is exempted. क्योंकि ये repair cliff of newborn baby है, तो it is exempted. Somewhat like this you need to mention in the exam paper guys. ये बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 1B. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल. आपको पूछ लिया कि आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालने, अपने आईटीसी में चैप्टर पढ़े थे. ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, ये भी 4 मार्क्स का सवाल है. रामोप्लास सोप फैक्ट्री अ रजिस्टर्ड सप्लायर इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटी सोप्स. एक सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड है, वो ब्यूटी सोप्स मैन्युफैक्चर करता है. फॉरएवर ग्लो इन मुंबई. वो कहाँ मैन्युफैक्चर करता है? मुंबई में मैन्युफैक्चर करता है. इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द परचेज मेड या सर्विसेज अवेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2018.
जहाँ ये डॉट डैश डैश है आप समझ लीजिएगा जनवरी 18 है, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 दैट इज असेसमेंट ईयर 18-19 या 17-18 फाइनेंशियल ईयर आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो आप इसको लेके चलेंगे। तो आपसे पूछा गया, देखिए वो आपको परचेज का डिटेल दिया है जिसमें उसने आपको बता दिया कि आपके इनपुट्स में कितना जीएसटी पेड है, और आपसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द आईटीसी अवेलेबल विद रामो प्लस ओ फैक्ट्री फॉर दिस मंथ अज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। तो लेट्स चेक सोप मेकिंग मशीन, ये जो सोप बनाते हो एक मशीन से बनाते हैं, तो मशीन उसके लिए हो गया कैपिटल गुड्स, एंड कैप गुड्स का क्रेडिट हमें मिलता है। जैसे आपको पता है अपने को कैप गुड्स का क्रेडिट मिल जाता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 एंड 17, तो 50,000 का जो जीएसटी पेड है वो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने क्या किया, वो जो इनपुट यूज करता है उसका ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए वो मोटर व्हीकल्स को खरीदा और उसमें उसने जीएसटी पे किया 17,000। गाइस इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ सेक्शन 17.5 नेगेटिव विद आईटीसी का, जहां पे मोटर व्हीकल्स पे क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल्स को यूज कर रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गुड्स देन दैट विल बी क्लेमेबल एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस सेल्स केस में क्योंकि आप अपने इनपुट्स को ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हो, क्योंकि ये मोटर व्हीकल्स इनपुट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो रही है, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा एंड 17 सबसेक्शन 5 के तहत आपका ये डिसअलाउ नहीं होगा, आपको 70,000 का क्रेडिट मिल जाएगा बिकॉज इट विल नॉट फॉल इन द सेक्शन 17.5। और गाइस ये आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा कि आप इस पे क्रेडिट क्यों दे रहे हो, बिकॉज मोटर व्हीकल्स हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स। थर्ड, membership of fit and fine health and fitness center for its employees, ye to apne clearly dekhe the ki it's a block credit under 17 subsection 5 and accordingly 25,000 ka credit inko nahi milega, bilkul nahi milega। inputs purchased but stolen from the factory, factory se chori ho gayi hai inputs, wo bhi 40,000 usme gst paid hai, to apne padhe the 17 subsection 5 mein agar koi lost ho gaya goods write off kar diye ya apne destroy ho gaya to uska bhi credit aapko nahi milega, isliye 40,000 ka credit आप ये लेके नहीं चलेंगे। तो माय आंसर इज आपको कितना आईटीसी मिलता है, आपको मिलेगा 50,000 प्लस 70,000 दैट इज 120,000 को आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बट गाइस यू नीड टू सी इंस्टीट्यूट का भी सॉल्यूशन, इंस्टीट्यूट ने भी किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है, आपको एक-एक रीजन देना पड़ेगा। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि सोप मेकिंग मशीन में आपने क्यों आईटीसी दिया, बिकॉज़ इट्स रिस्पेक्ट फॉर गुड्स जहां पे कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, बिकॉज आप कैप गुड्स को यूज कर रहे हो इन द कोर्स और फदरेंस ऑफ बिजनेस और अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल्स इस केस में ब्लॉक होता, लेकिन एक्सेप्ट वेर इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17.5 इसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा। मेंबरशिप क्लियरली आप 17.5 का रीजन देंगे और इनपुट स्टोलन भी आप 17.5 का रीजन देंगे, तो आपको ये फॉर्मेट प्लीज जरूर जरूर फॉलो करना है। तो यहां खत्म होता है अपना पहला 10 मार्क्स का क्लैरिफिकेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2A में, ये भी बिल्कुल वैल्यूएशन से संबंधित है। जैसे मैंने आपको बोला था कि वैल्यूएशन चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम, आपको 5-6 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में दिखाई देगा। गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं, जीएसटी से जो क्वेश्चन इस बार था एमटीपी में मॉक टेस्ट पेपर में, इट वाज अ मिक्सचर ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपका प्रैक्टिकल ही आएगा या थ्योरी आएगा, डेफिनेटली मिक्सचर है, क्योंकि जीएसटी लॉ एक बार न्यू लॉ है तो सम्स ज्यादा इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं बनाया है, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट गुड थ्योरी अमाउंट फ्रॉम जीएसटी प्रैक्टिकल सम फ्रॉम जीएसटी पोर्शंस। क्वेश्चन 2 का ए देखते हैं, क्वांटम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली सप्लाइज प्लास्टिक ग्रैनुलेशन मशीन टू स्कैम्सकॉम लिमिटेड दिल्ली। याद रखिएगा दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट दिल्ली में है, वो एक मशीन सप्लाई करे जिसका नाम है प्लास्टिक ग्रैनुलेशन मशीन। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, आपको ये सारे डिटेल्स दिए है और आपको निकालना था वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय क्वांटम प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड। आपको वैल्यूएशन का समझ दे दिया सेक्शन नंबर 15 से, तो वी नीड टू कोट दिस सेक्शन एंड लेट्स सी इसमें क्या क्या दिया है। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट दैट इज 1 लाख रुपीज, यानी ये सर आपका लिस्ट प्राइस था, इसमें कोई टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी डिस्काउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो सेक्शन 15 के हिसाब से आप इसको सीधा सीधा अपना ट्रांजेक्शन वैल्यू में एड करने वाले हो। कॉरुगेटेड बॉक्सेज यूज फॉर पैकिंग द मशीन एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस अबव, अगर आपको याद होगा अपने पढ़े थे सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, वहां पे अपने देखे थे स्पेसिफिक इंक्लूजन में पैकिंग चार्जेस भी होगा, और क्योंकि इसमें लिखा दिया अलग से कि इस प्राइस में ऑलरेडी पैकिंग चार्जेस नहीं है, तो आपको पैकिंग चार्जेस दैट इज 1,000 ये भी आपको एड करके
चलना पड़ेगा एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, क्योंकि पैकिंग चार्जेस इज इन रिलेशन टू दैट मशीन एंड देयरफॉर इट विल बी एडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू. नेक्स्ट वाज अ वेरी गुड पार्ट, सब्सिडी आपको मिली है दिल्ली गवर्नमेंट से, एंड दिल्ली गवर्नमेंट इज अ स्टेट गवर्नमेंट विच वी नो, एंड दैट्स अ स्टेट गवर्नमेंट एज पर द सेंट्रल जीएसटी रूल, सेंट्रल सीजीएसटी एक्ट. ऑन सेल ऑफ सच मशीन, सब्सिडी आपको दिल्ली गवर्नमेंट से मिला क्योंकि आपको मशीन बेचनी थी, आपने मशीन बेचा, आपको सब्सिडी मिला, और यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है इट इज कंसिडर्ड इन द प्राइस अब, यानी कि ये ऑलरेडी इस प्राइस में कंसिडर हो चुकी है, हो चुकी है. प्लीज कमेंट, ये ऑलरेडी इस प्राइस में कंसिडर हो चुकी है, दैट इज 5000 की सब्सिडी. और आपको पता है कि सब्सिडी अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देता है वो आपके प्राइस में इंक्लूड नहीं होता, वो आपके प्राइस में एक्सक्लूड हो जाता है. अगर कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर लाइन को ठीक से नहीं पढ़ा वो बिल्कुल बिल्कुल मिस्टेक करके आ जाएगा, क्योंकि ये 5000 ऑलरेडी इसमें एक्सक्लूडेड है, आप उसको दोबारा से एक्सक्लूड नहीं करेंगे. That was a big, kind of, ऐसा आपको ICAI ने दिया कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हो अगर आप ये कंसिडर्ड इन द प्राइस अबव वाला पार्ट नहीं पढ़े तो. तो ये जो 5000 की सब्सिडी है ये प्राइस में कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी कंसिडर्ड है, तो आप उसको ना एड बैक करेंगे ना लेस करेंगे. अगर इसमें बोलता है नॉट कंसिडर्ड इन प्राइस अबव, देन आपको उसको लेस करना पड़ता क्योंकि आपको सब्सिडी का रिडक्शन मिल जाएगा. आई होप समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं. डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% इज ऑफर्ड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन. जो मशीन की लिस्ट प्राइस है, वेरी इंपॉर्टेंट, मशीन की लिस्ट प्राइस में बोला है, और मशीन की लिस्ट प्राइस हमें पता है इट्स 1 lakh rupees. प्लीज 1 lakh 1000 को मशीन की लिस्ट प्राइस नहीं समझेंगे, जो लिस्ट प्राइस है वो आपको ऑलरेडी दिया है समय 1 lakh. एंड इसमें बोल दिया कि इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस. अगर आपको याद होगा हम लोग 15 सबसेक्शन 3 पढ़े थे जहाँ पे डिस्काउंट को हम रिड्यूस करते थे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, एंड वहां पे हम देखते थे कि अगर आपका इनवॉइस अमाउंट में ड्यूली रिकॉर्डेड है, इनवॉइस अमाउंट में डिस्काउंट ड्यूली रिकॉर्डेड है, तो आपको एट द टाइम ऑफ सप्लाई ओनली आपको इसका डिस्काउंट का रिडक्शन मिल जाएगा एज पर सेक्शन 15(3). तो ये आपको 2% ऑफ 1 lakh, दैट इज 2000 rupees, आपको माइनस करनी थी. तो फाइनली आपका वैल्यू सप्लाई आ जाएगा, एंड यू कैन डेफिनेटली सी कि इंस्टीट्यूट ने भी इस तरह का सोल्यूशन दिया है. सबसे पहले लिस्ट प्राइस, फिर एड करेंगे पैकिंग चार्जेस एज पर रिलेवेंट सेक्शन 15(2). सब्सिडी आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिला गया, तो आप यहां पे डेफिनेटली ऐड नहीं करेंगे. देखिए इंस्टीट्यूट ने इसको टेबल फॉर्म में दिया है, आप चाहे तो उसको नोट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सीइंग दिस वीडियो कि बेस्ट होगा अगर आप टेबल में इनकॉर्पोरेट करके चलो एवरीथिंग, और आप निल लिख दो. होता क्या है कि जब एग्जामिनर देखता है ना उसको एक जगह से मिल जाता है, ही नीड नॉट यू नो वेट फॉर यू टू सी क्या आपने नोट्स में लिखा कि नहीं लिखा. तो इट्स बेस्ट आप यहीं पे प्रेजेंटेशन दोगे तो नोट्स का भी झमेला कम हो जाएगा. तो अब यहाँ पे ही सब्सिडी दिखा दीजिए और इसका रीजनिंग दे दीजिए क्योंकि ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव हुआ है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. देन आपको टोटल आया, फिर आपने लेस किया डिस्काउंट और आपको फाइनली आंसर मिल गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई. तो बिल्कुल बिल्कुल इजी सम था, आपको खाली वैल्यूएशन निकालनी थी और आपके 5 marks इजीली आपकी मुट्ठी में आ गई. अब आया नेक्स्ट, विच इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम थ्योरी, दैट इज डिस्कस द टर्म कॉम्पोजिट सप्लाई एंड इट्स टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी लॉ. गाइज दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है. अगर आपको मॉक टेस्ट पेपर में मिल गया है तो डेफिनेटली इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. अगर आपको याद होगा हम लोग सप्लाई चैप्टर पढ़े थे कॉम्पोजिट सप्लाई, दैट इज सेक्शन 8, एंड सेक्शन 8 में वी हैड अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई. द आंसर इज वेरी सिंपल, कंपोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई वेयर टू और मोर सप्लाईज आर इन्वॉल्व्ड एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, एंड दैट प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट है वही अपने कॉम्पोजिट सप्लाई का रेट मान के चलते हैं. तो आपको ये सिंपल चीज बोलना था, और इसमें आपको टैक्सेबिलिटी भी बतानी थी. टैक्सेबिलिटी यही बतानी थी कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट विल बी कंसिडर्ड एज द रेट फॉर द कंपोजिट सप्लाई, एंड अकॉर्डिंगली इट्स रेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन. गाइस एक दो चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि ये 5 marks का क्वेश्चन था, यू हैव टू राइट टेक्निकल वर्ड्स जैसे आपने पढ़े थे नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये एक तरह का की टर्म था. प्रिंसिपल सप्लाई इज अ की टर्म, ये आपको यूज करना था. फिर आपको प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब भी समझाना था कि विच इज द प्रिडोमिनेंट एलिमेंट इन्वॉल्व इन द सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल सप्लाई. एंड आप चाहते तो एक दो एग्जाम्पल्स के हिसाब से इसका क्वेश्चन भी आप दे सकते थे एग्जामिनर को, और इस एग्जाम्पल्स के हिसाब से दिखा भी सकते थे. ठीक है, एक बार अपने देखते हैं कि एग्जाम में इसका किस तरीके से आंसर लिखा गया है. कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट
जहां पे तीन पॉइंट देखिए इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, जहां पे टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज है और बोथ एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ या नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. और लास्ट में आपको बोल दिया कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई. इसका मतलब जो कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई है उसी प्रिंसिपल सप्लाई को कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा. जैसे आपको पता है नॉर्मली गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, जब गुड्स सप्लाई करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी देती है, इंश्योरेंस भी देनी पड़ती है, काफी एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देनी पड़ती है. तो जो एक्स्ट्रा सर्विसेज की एलिमेंट है वो हो गई आपकी गुड्स के लिए कॉम्पोजिट्स एंसिलरी सप्लाई, और गुड्स आपका जो हो गया वो आपका हो गया प्रिंसिपल सप्लाई. तो कॉम्पोजिट सप्लाई पे आप ओवरऑल जो गुड्स का रेट है वो ही लगा के चलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर इस तरह का क्वेश्चन में मैं अगर आपका नेचुरली बंडल्ड प्रिंसिपल सप्लाई जैसा वर्ड ऐड हो गया कि तो डेफिनेटली इट कॉल फॉर 3 or 4 एटलीस्ट आउट ऑफ 5 मार्क्स. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. केसर महाराज, इन्हें कैसे भूल सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है प्रैक्टिस मैनुअल से. यस, अगर आप ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सम है ये बिल्कुल प्रैक्टिस मैनुअल का सम था केसर महाराज का. एंड बिल्कुल इन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इज ऑलमोस्ट वेरी सेम विच वी स्टडीड इन सर्विस टैक्स लॉ विज़ाविस जीएसटी. तो आपको ये समझना है कि बिल्कुल बिल्कुल एग्जेम्पशंस का जो क्वेश्चन पुराने लॉ के लिए था वो अभी भी एप्लीकेबल है. इंस्टीट्यूट ने इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया. लेट्स डिस्कस करते हैं. केसर महाराज एक रजिस्टर्ड सप्लायर है हु गेव अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन ऑडिटोरियम. द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द सेट परफॉर्मेंस इज ₹1,48,500. अगर आपको याद होगा हम लोग आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस का बात किए थे एग्जेम्पशन में, जहां पे फोक और क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, फोक या क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक या कोई कॉम्पिटिशन डांस वांस, उस केस में आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख से ऊपर नहीं है तो. लेकिन अगर आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दे रहे हो या फिर आप कोई बॉलीवुड स्टाइल का परफॉर्मेंस दे रहे हो विच इज नॉट क्लासिकल एंड ऑल दो द कंसिडरेशन इज लेस देन 1,50,000, तो इट विल नॉट बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी टैक्सेबल. बिल्कुल यही पोर्शन से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया. लेट्स रीड. ये क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है 1,48,500. इस केसर मजर लायबल टू पे जीएसटी ऑन द कंसिडरेशन इज फॉर द सेट परफॉर्मेंस इफ सच परफॉर्मेंस इज नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट. द आंसर इज यस, ही इज नॉट लायबल टू पे एनी जीएसटी. इट विल बी कंसिडर्ड एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस बिकॉज द कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन 1,50,000 एंड इट इज फॉर अ क्लासिकल परफॉर्मेंस एंड विच इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर रेलिवेंट नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर जीएसटी. गाइज देखिए, आपको नोटिफिकेशन नंबर लर्न करने का दरकार नहीं है, आप इसको प्राइमा फेसी इस तरीके से बोल सकते हैं एग्जाम में, एज पर रेलिवेंट नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर जीएसटी इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. इफ यस डिटरमाइन इज जीएसटी लाइबिलिटी, इसकी कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है. देन द नेक्स्ट पार्ट इज, जस्ट एक मिनट होल्ड करेंगे.